ये है दिल्ली दर्पण। दिल्ली में बढ़ रहा कोरोना संक्रमण का खतरा। बिना मास्क बाजारों में निकल रहे लोग। खरीदारी के लिए बाजारों में उमड़ रही है भीड़। नियमों की धज्जियां उड़ाते दिखे लोग। नमस्कार, मैं काव्या, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और इस वक्त हम मौजूद हैं त्रिनगर के तोताराम बाजार में। और जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना की वजह से सरकार ने बिना मास्क वाले लोगों पर और गाइडलाइंस ना फॉलो करने पर 2000 का जुर्माना लगाना शुरू कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे, जिसके चलते पश्चिमी दिल्ली के दो बाजार सील भी हो चुके हैं। तो आइए देखते हैं कि ऐसे में इस बाजार के हालात कैसे हैं। या सरकार बोल रही है 2 गज दूरी मास्क है जरूरी, मास्क उतार रखे आपने? मैं झूला कर रहा था, फंस गया था इसलिए। तो इसमें मास्क लगा के भी तो कर सकते? हाँ, मास्क लगा के कर रहा था, बस अभी धोया था, हाथ पैर धो के आया था, मुंह धोया था। अभी आपने देखा, अभी अभी मास्क लगा के आए, अभी ऐसे ही खड़े हुए थे आप उधर? अभी वहाँ से मास्क लगा कर आए, थोड़ा बात करने लगे तभी उतार। अकेले कौन सी बात होती है जी, बात करने लगे ना तो मास्क, इसलिए मैं उतार दिया, फोन पे बात हो रही थी। वो बात तो वैसे भी हो सकती है मास्क लगा के भी। मास्क लगा के जी, हम सोचा कि अभी बात कर लूँ, बोला कि मास्क हटा के बात कर लो, तभी तो चलान जी कैसे हो जाए। मास्क नहीं लगा रखा आपने और आप हमें देख के लगा रहे हैं सरकार के, हम एक मिनट में बदनाम कर देते सरकार को। आपको नहीं लगता कि सरकार के द्वारा बनाए गए नियम हमें पालन करना चाहिए उनका? ठीक है मैडम, अकेले ही बैठे कोई कस्टमर डीलिंग नहीं कर रहे हैं। आप कस्टमर डील नहीं कर रहे, वो इधर सामने खड़े हुए हैं। आपकी एक गलती पूरे मार्केट को ना सील करवा सकती है, आपको पता है? पता है तो अगली बारी से मास्क लगा के रखिए, वरना गुलाबी नोट तैयार रखिएगा देने के लिए। बीड़ी फूकने के लिए पैसा और टाइम है, पर कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आपके पास, मैं कह रही हूँ, एक मिनट छोड़ो, एक सेकंड भी नहीं है। अभी आ रहा था इधर से तो सोचा। आपकी एक गलती पूरे मार्केट को ना जिंदगी भर के लिए रुला सकती है, आपको पता है बात? गलती हो गया, ये गलती ही तो नहीं करनी। 2 गज दूरी मास्क है जरूरी जी, जी। वादा करिए अगली बारी से मास्क पहन के बाहर निकलेंगे जी। अगली बारी से मास्क पहन के बाहर निकलेंगे। आपको नहीं लगता कि मास्क होठों तक के लिए नहीं बना और नाक को पूरा कवर करने के लिए बनाया गया है? मैडम लगा तो रहे हैं जी। लगा रहे हैं तो ना आप एहसान हमारे ऊपर कर रहे हैं, आप एहसान अपने ऊपर कर रहे हैं। चल ठीक है, आपकी बात ध्यान में, बोलने के बावजूद भी आपने मास्क ऊपर नहीं किया। मैडम बोलने में दिक्कत आती है ऐसे? बोलने में दिक्कत आप एक को आ रही है, आप ये नहीं समझ रहे आपके आसपास वाले लोगों को जिंदगी भर की दिक्कत हो जाएगी। चलो ध्यान रख। आपने अभी देखा मास्क नहीं लगाया, पहले पानी पीने लग गए फिर अपने मास्क ऊपर कर दिया। पानी के वजह से ही तो अठा रखा है, आप भी तो ये लो, अभी खाना खाया है मैंने तो, खाना खाते में तो उठा ही सकते हैं। देखा आपने, हमने देख के बोतल उठा ली, बोतल तो हाथ में थी, ढक्कन खुला हुआ था, आप देखो उसमें, देखा है हमने तो, देखा ढक्कन खुला ही देखा होगा, बिना ढक्कन नहीं होगा, देखो आप रिप्ले देखो उसकी। लेकिन आपने हमें देखते ही मास्क लगा लिया, तो आपके देख में ये तो है कि सतर्क है, ये पी रहे हैं पानी, तो पानी पीते हुए तो मैं उठाऊंगा, अभी खाना खा के उठाऊं मैं, और ये भी तो लगाएं, ये भी तो लगाएं। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग भी जरूरी है, आप इतने पास पास बैठे हैं सब लोग, थोड़ा दूर हो जाओ भाई। आपको नहीं लगता कि सरकार इतने कड़े नियम ले रही है, दिन रात भारत को कोरोना में से बाहर निकालने के लिए वो कर रही है, फिर भी आप बिना मास्क के बैठे हुए हैं? फोन कर दो, फोन तो मास्क में भी होता है अंकल। आपकी ये गलती की वजह से ना आपके आसपास वाले संकट में जा सकते हैं। सही है, नहीं सही कर रहे हो। वादा करिए हमसे कि मास्क लगा के बैठेंगे। भैया आपको नहीं लगता आपकी गलती बहुत लोगों पर भारी पड़ सकती है? कोरोना का डर खत्म हो गया है क्या अभी? आप बड़ी मस्ती से यहाँ पे संतरे खा रहे हैं बिना मास्क के? मास्क लगा के थरक खा के तो छील ही रहा था। आपके एक छीलने में और आपकी एक गलती में
आप सबको संकट में डालेंगे ना अपने साथ। कैसे संकट में डालेंगे? सरकार को बदनाम करने में हम एक मिनट नहीं लगाते, सरकार के नियमों को पालन करने में आप कितने घंटे लगा रहे हैं। सरकार को बदनाम करने में हम आते फिर भी बिना मास्क के खड़े हैं। सॉरी सॉरी, वीडियो में आया पानी तो इसलिए दवाई लिया है, गुम हो गया पानी, वही बात अभी लिया, अभी गुम हो गया है पानी, तो मास्क लगाना है और नाक के ऊपर तक लगाना है। हाँ जी, कोरोना खत्म हो गया क्या? नहीं जी, बिना मास्क के तो आप बड़ी मजे से बैठे हैं। बहुत एक्चुअली भी कुछ खा रहे थे, आप कुछ भी नहीं खा रहे, मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा था रखा हुआ जो आप खा रहे हैं। तो बात ले रहा था, ये मिक्स कर, अगर आप टबैको ले भी रहे हैं तो दूसरी बात आप मास्क लगा के खाइए ना। नहीं, अभी जस्ट मैंने मिला के रैपर रखा है। अंकल कोरोना खत्म हो गया अभी मार्केट से? नहीं नहीं नहीं, अभी तो नहीं खत्म हुआ, मास्क उतार के खड़े हैं ये। अभी मास्क लगाया हूं, आप बिना मास्क के खड़े हैं अभी, आपके अंदर से डर खत्म हो गया कोरोना का, तो फिर भी मास्क उतार के, तो बात तो मास्क लगा के भी हो सकती है। ये प्रैक्टिस आता है, पहले नहीं करते थे, कल से हमने करी है कोशिश कि भाई मास्क लगा के ही बात करना, बूढ़े हैं ना तो अंदर वो बोलते वक्त ना बड़ा आ जाता है, तो दो मिनट के लिए सांस लेके फिर ऊपर कर लेते। तो बाहर निकलते हैं, आपकी एज है अब इतने? बहुत कम, 3 दिन निकलता हूँ बाहर। तो जैसे कि देखा जा रहा है कि दिल्ली में कोरोना के 10 लाख मामले दर्ज हो चुके हैं, उसी के बीच इस बाजार में लोग नियम तोड़ते हुए भी दिख रहे हैं, तो आगे देखना ये होगा कि क्या पश्चिमी दिल्ली की तरह ये बाजार भी होगा बंद। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, कैमरामैन काव्या के साथ मैं खुशबू काबरा, दिल्ली दर्पण टीवी।